कि किस बारे में वीडियो होने वाली है। कैमरा फेस करते बिना बड़ा अजीब सा लग रहा है। हेलो एंड वेलकम बैक। आई नो यार, बहुत अरसे बाद वीडियो आ रही है। उसकी वजह बहुत सी वजूहत है, ऑब्वियसली मेन तो जॉब ही। चल झूठा, सारा दिन जॉब करके आओ तो यार फिर दिल ही नहीं करता कुछ और करने को, तो इसलिए वीडियो नहीं बना सका कोई। बहरहाल देर आए दुरुस्त आए, वीडियोस मैंने बनाना बंद नहीं की। आपको अंदाज़ा हो गया होगा टाइटल से ही कि किस बारे में वीडियो होने वाली है। कैमरा फेस करते बिना बड़ा अजीब सा लग रहा है, इतने अरसे बाद कैमरा खोला है और अपने आप को ना रिकॉर्डिंग पे शर्मा गई। अच्छा यार, ये जो कुछ मैं टॉपिक्स डिस्कस करने लगूँ ना फर्दर इस वीडियो में, बेसिकली ये मैं आप लोगों के कमेंट्स गो थ्रू कर रहा था एक दिन, तो ये कुछ रिपीटेड मिसकंसेप्शन, क्वेश्चंस भी नहीं है, ये मिसकंसेप्शंस हैं आप लोगों में, मैंने फील किया। मुझे लगा यार इन क्वेश्चंस को या इन मिसकंसेप्शंस को ज़रूर एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसा है नहीं। मी बीइंग अ प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्किंग इन दी इंडस्ट्री। अपनी तारीफ खुद करो, बुराई करने को तो दुनिया बैठी है। और मेरा इसमें कुछ ओपिनियन भी होगा, गलत भी हो सकता है, कुछ लोग उससे डिफर भी कर सकते हैं, विच इज़ टोटली फाइन विद मी। सबसे पहले जो एक मैंने नोटिस किया ना कि यार इंटर्नशिप के लिए कब अप्लाई करना चाहिए वर्सेस जॉब के लिए कब अप्लाई करना चाहिए, ये मुझे क्यों फील हुआ वीडियो बनाने के लिए इसके बारे में, क्योंकि आई हैव नोटिस्ड के बहुत से लोग हैं जो कि ग्रेजुएट हो गए हैं और वो स्टिल इंटर्नशिप ढूंढ रहे हैं। क्यों भाई, आप ग्रेजुएट हुए हो, आपको इंटर्नशिप की ज़रूरत नहीं है, आपको फ्रेश ग्रेजुएट की जॉब। देखो ग्रेजुएट के जॉब के भी ना टाइटल्स होते हैं, फ्रेश ग्रेजुएट वैकेंसीज होती हैं, एक्सपीरियंस्ड वैकेंसीज होती हैं। जो लोग फ्रेश ग्रेजुएट हो गए हैं ना वो इंटर्नशिप देखना बंद कर दें। जैसा कि मैं कहता हूँ लिंक्डइन इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म, उधर जाएँ, उधर से फ्रेश ग्रेजुएट की जॉब्स ढूंढें। बहुत सी जॉब्स आपको मिल जाएंगी, सर्च बार में आप लिखें फ्रेश ग्रेजुएट जॉब्स इन पाकिस्तान सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ऑब्वियसली कॉन्टेक्स्ट भी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में उसमें, और आपको चाहिए भी उस वक्त जॉब, इंटर्नशिप नहीं चाहिए। मुझे पता है पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता भाई, पूरी दुनिया में ही होता है कि आप ग्रेजुएट अगर हो गए होते हैं या ग्रेजुएशन के आखिरी अपने आखिरी सेमेस्टर में होते हैं तो आप इंटर्नशिप्स ढूंढने लगते हैं, आप वहाँ ढूंढते हैं इंटर्नशिप, इंटर्नशिप लीडिंग टू जॉब बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज़ को कहते हैं। लेकिन यहाँ पे इतना ये कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं है। हाँ, अगर कोई आपको जॉब के वक्त, मतलब आप एज अ जॉब एप्लीकेंट चाहते हैं और वो कहते हैं कि सर हम आपको 2 महीने की इंटर्नशिप पे रखेंगे, फिर उसके बाद इंटर्नशिप स्लैश प्रोबेशन, ठीक है, तो 2-3 महीने की वो होगी, उसके बाद हम आपको ऑफर लेटर कर देंगे ऑफर, वो एक केस अलग है, वो बेसिकली है जॉब ही, लीडिंग टू जॉब है ना बेसिकली। वो ऑब्वियसली हर कंपनी टेस्ट करती है हर न्यू हायर, यार ये हमारे माहौल में हमारी टेक्नोलॉजी स्टैक्स में ये एडजस्ट हो भी सकता है, हमारी कंपनी के लिए कैसा है, तो वो एक टेस्टिंग पीरियड होता है आपका। पॉइंट इज इफ़ यू आर अ फ्रेश ग्रेजुएट स्टॉप लुकिंग फॉर इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप में क्या होता है, जो प्रॉपर इंटर्नशिप की डेफिनेशन है वो आपको 2 महीने काम लेंगे, आपसे कुछ पैसे दे देंगे जिसके वजह आपको डील हुई होगी, उसके बाद आप जाएं। तो भाई फ्रेश ग्रेजुएट के बाद तो आपको जॉब चाहिए, आपको इंटर्नशिप तो नहीं चाहिए। मतलब आप ये तो नहीं है ना कि आप ग्रेजुएट हुए हैं कंपनी में 2 महीने पे इंटर्नशिप पे लगे हैं और 2 महीने बाद कंपनी कहता है ठीक है यार अब आप जाओ, ये लो सर्टिफिकेट आपका इंटर्नशिप का, तो आप तो फिर वहीं आके खड़े हो जाएंगे 2-3 महीने बाद जहां आप ग्रेजुएशन के बाद खड़े हैं। इसलिए इफ़ यू आर स्टिल स्टडिंग 6th, 7th, 8th सेमेस्टर में हैं, टू लुक फॉर इंटर्नशिप, मिल जाए डू इट, ना मिले ठीक है स्टडीज कंप्लीट, लेकिन वंस यू गेट ग्रेजुएट इंटर्नशिप अगर आपको ऑफर हो, अगर लीडिंग टू जॉब हो देन यू कैन कंसिडर इट, अगर लीडिंग टू जॉब ना हो डू नॉट कंसिडर इट। लाइफ ऑफ फ्रेश ग्रेजुएट जॉब्स बहुत सी अवेलेबल हैं, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन करें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, मेरी पिछली वीडियोज हैं। तो बाय द वे इंटर्नशिप के रिलेटेड अगर आपको कुछ देखना सुनना है तो मैं यहाँ पे या यहाँ पे कहीं, मैं कहता हूँ यहाँ पे आ रहा होगा लिंक, मैं लगा दूंगा पॉपअप, उस पर क्लिक करके आप मेरी इंटर्नशिप, हाउ टू गेट एन इंटर्नशिप वाली वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी है, ठीक है, तो मेरी बेशुमार वीडियोस हैं, बेशुमार तो नहीं 2-3 ही वीडियोस हैं जो कि इंटरव्यू पे मैंने बताया, उसमें थोड़ा सा वो भी मैं यहाँ पे कहीं पे लगा दूंगा पॉपअप पे, तो वो भी आ जाए। फिर आते हैं यार एक बड़े ही ऑड से क्वेश्चन पे, और इसके तो बारे में बहुत से बच्चों ने ना मुझे क्वेश्चंस भेजे हैं कि भाई हम वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हैं या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, क्या हमें जॉब मिल जाएगी।
यार देखो, मैं कहता हूँ हमेशा कोई भी यूनिवर्सिटी बुरी नहीं होती अनलेस वो स्कैम ना हो। हर यूनिवर्सिटी कोशिश यही करती है कि दूसरी यूनिवर्सिटी से ज़्यादा अच्छी हो सके, लेकिन ऑब्वियसली उनकी कुछ अपनी लिमिटेशंस होती हैं। मुझे वर्चुअल यूनिवर्सिटी का करिकुलम बिल्कुल नहीं पता, ना मैंने कभी किसी ऐसे मतलब अपने किसी मेरा कोई फ्रेंड है जो उधर से ग्रेजुएट हुआ, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी जो एक्सपीरियंस और अपनी जजमेंट भी नहीं, अपना ऑब्जर्वेशन से मैं जो आपको बता रहा हूँ वो बता रहा हूँ, जज आप खुद कर लो। मैंने इंडस्ट्री में अभी तक वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोई ग्रेजुएट नहीं देखा। कंट्रोल ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, होंगे, लाजमी होंगे और अच्छी अच्छी पोस्ट पे भी हों शायद, लेकिन मैंने पर्सनली कोई ऐसा ग्रेजुएट नहीं देखा जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि भाई वो यूनिवर्सिटी फारग है, पॉइंट इज़ कि आप लोग जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि ग्रेजुएट कर लें जॉब मिल जाएगी उधर से अगर हुए ग्रेजुएट, तो यार जॉब तो आपको मिल जाएगी, प्रेफरेंस आपको नहीं मिले, समझ रहे हो बात को। जितनी भी प्रेफरेंसेस है उसमें वर्चुअल यूनिवर्सिटी उसी तरह की और कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इकरा यूनिवर्सिटी, एक बीजेडी बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी है, और भी कुछ इस तरह की हैं यूनिवर्सिटीज़ जो इतनी फेमस नहीं है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, वो सब बिल्कुल भी नहीं फॉल करती प्रेफरेंस। मैं उनकी डिग्री को नहीं बोगस कह रहा, मैं उनके पढ़ाने को नहीं बोगस कह रहा, अच्छी होंगी ठीक है, प्रोफेसर्स भी अच्छे होंगे, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस में यही मुझे आज तक ऑब्जर्व किया मैंने। बाकी एक मैं आपको एडवाइस देता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ एनी यूनिवर्सिटी, आप लोगों ने जिस भी यूनिवर्सिटी को चूज करना है ना, उससे पहले आपने एक चीज लाजमी देख लेनी है, क्या उसकी डिग्री HEC हायर एजुकेशन कमीशन से रिकग्नाइज है। अगर तो वो रिकग्नाइज है, फिर बात आती है अफोर्डेबिलिटी की, फिर बात आती है वहाँ के कैंपस लाइफ की, फिर बात आती है वहाँ की स्टूडेंट के ग्रेजुएट की प्रायोरिटीज़ की, मतलब इंडस्ट्री में उसकी क्या प्रायोरिटी है, कितने लोग उधर के जॉब लगते हैं या जो भी सीन है ठीक है। तो लेकिन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट द थिंग इज़ दैट यूनिवर्सिटी शुड बी रिकग्नाइज्ड बाय HEC, ताकि आप लोगों को उसकी डिग्री की ऑथेंटिसिटी का आइडिया हो कि आप यार लाखों रुपया लगाते हैं और एंड पे आपको डिग्री मिलती है तो पता चलता है कि डिग्री रिकग्नाइज्ड नहीं है, तो उसका फ़ायदा पैसे आया, हालांकि आप अच्छे ग्रेजुएट भी हो गए हो, बेशक आपने सीख भी लिया उसके लिए, लेकिन डिग्री नहीं है तो इतने फ़ायदा फिर टाइम का। तो ये मेरी कुछ ऑब्जर्वेशन, कुछ मेरे ओपिनियन था इस यूनिवर्सिटी के बारे में, तो डिसीजन आप पे है भाई, मैं कोई नहीं कहता कि यार मुझे फॉलो करो, क्योंकि मैं आई एम नॉट अ गुड एग्जाम्पल टू बी फॉलोड बाय। तो बहरहाल मैंने आप लोगों को अपनी ऑब्जर्वेशन बताई है, ताकि आप लोगों को डिसीजन मेकिंग आपके लिए आसान हो। थर्ड मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन, बात भाई हम डिग्री अगर ना करें तो क्या हम डिप्लोमा कर लें और हमें वो जॉब मिल जाएगी। पर्टिकुलरली एपटेक एक इंस्टीट्यूशन है ठीक है, उसका बहुत नाम आता है सुनने को। तो यार इस पे मैं आपको अपना फाइनल डिसीजन दे रहा हूँ भाई, लोकल डिप्लोमा किसी खाते में नहीं लिखा जाता इंडस्ट्री, कंसीडर ही नहीं की जाती उसकी वर्थ। मुझे नहीं पता वो डिप्लोमा कैसा होता है क्योंकि मैंने कभी नहीं किया, मैंने एक कोर्स किया है C++ का अपने ज़माने में किया था, एक इंस्टीट्यूट होता है इधर ऑस्पाक के नाम से, पता नहीं होया या नहीं है, उधर से CCNA और C++ का एक कोर्स किया था, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो एनीवेज डिप्लोमास, लोकल डिप्लोमास फारग है, डिग्री नहीं करनी तो यार मैं आप लोगों को ये कहूँगा कि सर्टिफिकेशंस कर, अगेन सर्टिफिकेशंस आसान नहीं होती, इंटरनेशनली रिकग्नाइज सर्टिफिकेशन बाय द वे, जिस तरह AWS सर्टिफिकेशन होती है, गूगल सर्टिफाइड होते हैं कुछ लोग, Azure की होती हैं, तो इस तरह के मुख्तलिफ सर्टिफिकेट्स हम ऑनलाइन आप गूगल कर लो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पॉइंट इसके अगेन वो सर्टिफिकेशंस करने के लिए भी आपको कुछ ना कुछ आना चाहिए, तो फ्रेश स्टार्ट आप वो सर्टिफिकेशन नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस मांगती हैं, वो नॉलेज मांगती हैं। नॉलेज कहाँ से आता है? कॉलेज से आता है, स्कूल से आता है, इंस्टीट्यूट से आता है। नॉलेज गेन करने के लिए आप जिस मर्जी इंस्टीट्यूट में जाओ, वो खुली छूट है। लेकिन अब आप अगर ये कहो कि यार मैं फलाने इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा कर लूँ 6 महीने का और जाके मैं एक ऐसे सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब करूँ जहाँ पे उनका स्टैंडर्ड ये है कि वो लोग फ्रेश ग्रेजुएट्स को लेते हैं, बैचलर्स को लेते हैं, सर नहीं, ऐसा नहीं होना। एक्सेप्शन हर जगह मिलती हैं, शायद आपके जानने वाला कोई हो जिसने ये किया हो और वो बड़ी अच्छी पोजीशन पे लगा हो, लाखों रुपए कमा रहा हो, पॉसिबल, मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। तो इसलिए सर्टिफिकेशंस अपने लिए करनी है जिस तरह मैंने की थी, वेल एंड गुड नॉलेज गेन करने के लिए, ताकि आपको आगे डिग्री या आपका कोर्स आसान हो जाए आपके लिए, करें मोस्ट वेल, लेकिन उस बेस पे आपको सिर्फ उस बेस पे आपको जॉब मिल जाए, आई डाउट इट, आई हैवी डाउट। उसके बाद यार एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट, आजकल इसका कोविड के बाद स्पेशली इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड शुरू हो गया पूरी दुनिया में इंक्लूडिंग पाकिस्तान, रिमोट जॉब। एक बात मैं आपको समझाऊँ, फ्री लांसिंग जॉब करने से ज़्यादा मुश्किल, उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ। फ्री लांसिंग में एक तो आपका
टाइम बहुत कंज्यूम होता है, दूसरा आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए कि क्लाइंट को सिर्फ ये पता है कि मैंने यार वेबसाइट बनानी है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि वेबसाइट में क्या टेक्नोलॉजीज यूज हो, क्या प्रोसेसेस यूज हो, क्या और बहुत सी चीज़ें होती हैं SDLC में ना, तो वो सारी चीज़ें आपने बतानी होती हैं। तो अगर आपको कुछ मतलब आप फ्रेश ग्रेजुएट हो, एक्सपीरियंस नहीं है आपके पास, ट्रेनिंग नहीं हुई आपका, कोई मेंटरशिप नहीं हुई आपकी, तो आप ये सब क्लाइंट को कैसे बताओगे? और क्लाइंट कहेगा यार मैं इतने पैसे लगा रहा हूँ, मैं नैले को दूंगी ये सब करने के लिए। सिमिलरली रिमोट जॉब फ्रीलांसिंग से ज़्यादा टफ है। रिमोट जॉब में एक तो आप फुल टाइम मोर देन 8 आवर्स अपना काम करते हैं, और लोगों के सवाल आते हैं मैं एज अ फ्रेश ग्रेजुएट रिमोट जॉब कर सकता हूँ? तो भाई फ्रेश ग्रेजुएट होकर तो आप फ्रीलांसिंग या खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है। इसीलिए IT इंडस्ट्री में हर फ्रेश ग्रेजुएट के लिए एक जॉब का एक अलग ही कैटेगरी होती है, एज अ फ्रेश ग्रेजुएट जॉब जो अप्लाई करते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस एज अ फ्रेश ग्रेजुएट लेता है और अपने हिसाब से उनको मोल्ड करता है, उनको सिखाता है। तो रिमोट जॉब हो गई, फ्रीलांसिंग हो गई, इन चीज़ों के लिए तो भैया आपको कम से कम 2-1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और ऐसा एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आपने मल्टीपल टेक स्टैक्स में काम किया हो, तो फिर ही आप कहीं जाके लैंड करने के काबिल होते हैं। लैंड करना ना करना वो एक अलग कहानी, वो भी नहीं होती लैंड, इंटरव्यूज ही बड़े टफ होते हैं। ये सीन है भाई रिमोट जॉब का, और हर कोई नहीं उठ के रिमोट जॉब कर सकता। अगर कर सकता होता तो कौन नहीं चाहता कि भाई अपने घर से ही बैठे बैठे अमेरिका काम करें, यूरोप में कहीं किसी कंट्री में काम करें, तो ऐसे इतना आसान नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ लें, आपको एक्सपीरियंस बंदा होना पड़ता है। मैं आप लोगों को एंड, क्योंकि वीडियो बैंड हो रही है, मैं आप लोगों को ना एक मैप दे देता हूँ, जनरल मैप जो कि मैंने फॉलो किया, जो कि मेरी तरह का हर ग्रेजुएट नेचुरली जो प्रोसेस से आता है वो फॉलो करता है। देखो यूर अ स्टूडेंट 4 साल की डिग्री की, यू गेट ग्रेजुएट, यू फाइंड अ फ्रेश ग्रेजुएट जॉब, यू गेट द जॉब, यू गेट एक्सपीरियंस, 2-3 साल डाउन द रोड आपने एक्सपीरियंस हासिल किया, उसके बाद फर्दर अप्लाई करना शुरू करते हैं। फिर आप करते हैं अप्लाई एज एन एक्सपीरियंस, फिर आप वो इंटरव्यूज भी फिर उस हिसाब से होते हैं। फिर ना ये चीज़ें नहीं आती इंटरव्यू में कि यार DSA के कॉन्सेप्ट बताओ, कि ऊप क्या होती है ये बताओ, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, ठीक है अपना अपडेट की क्यूरी लिखो, ये चीज़ें नहीं आती। फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है यार एक सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए क्या क्या प्रोसेसेस, बेस्ट अप्रोचेस, ऑप्टिमाइजेशन, इसको कितने ऑफ एंड में ये करना है और हमने कितने में अचीव करना है, ये सब टाइम कम्प्लेक्सिटीज, सर्वर साइड मैनेजमेंट, ये चीज़ें आती हैं एक्सपीरियंस में। तो इधर ये तो शायद आप अगर फ्रेश हैं तो आपको ये चीज़ें समझ भी ना आ रही हो जो मैंने अभी बात की है, क्योंकि मुझे भी नहीं आती थी। तो ये सीन होता है भाई, ये आपको कुछ मैंने रियलिटीज़, कुछ ऑब्जर्वेशंस, कुछ आप लोगों के मिसकंसेप्शंस क्लियर करने की कोशिश की है, जो मुझे वैसे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके, लेकिन जो मुझे फील हुआ है कि यार मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस आई हैव ट्राइड टू एड्रेस दोज, एंड आई होप यू गाइस हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट। माजर के साथ अगेन, मुझे नहीं पता मेरी अगली वीडियो कब आएगी, एटलीस्ट यू गाइज आर लाइकिंग इट कि आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हैं मेरे चैनल को। फिर किसी अगली वीडियो में यार मुलाकात होगी।